देखिए एप्लीकेशन आना शुरू हो गया है, रूल्स के हिसाब से इसकी स्क्रूटनी हो रही है। मुझे लगता है चुनाव के पहले ही, मतलब अंतिम मतदान के पहले ही नागरिकता देने की शुरुआत हो जाएगी। आप लोग अमित जी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, कांग्रेस जो है पर्सनल लॉस की बात कर रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये वोट कहीं ना कहीं आप लोग अपना अपना वोट साध रहे हैं। अपना अपना वोट नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे संविधान का मैंडेट है जी। गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो है, हमारे मार्गदर्शक सिद्धांत जो संविधान ने हमारे लिए बनाया है, उसमें लिखा गया है कि देश के विधानमंडल और देश की संसद ने उचित समय पर यह प्रयास करना होगा कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। मुझे लगता है उचित समय आ गया है, और यह आज से हम नहीं कह रहे जी। हमारी पार्टी बनी इसके पहले घोषणा पत्र में था कि देश में धर्म के आधार पर कानून नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। अगर ये देश पंथ निरपेक्ष है तो धर्म के आधार पर कानून कैसे हो सकते हैं जी, नहीं होने चाहिए। इधर बीच घुसपैठियों की बात हो रही है, आपने सीए इम्प्लीमेंट किया, मैनिफेस्टो में एनआरसी की कोई चर्चा नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए सीए का इम्प्लीमेंटेशन कोविड के कारण लेट हुआ है, और हम मानते हैं कि पहले सीए को जमीन पर उतारना चाहिए। वो प्रक्रिया अब चल रही है, और जहां तक घुसपैठ का सवाल है, अब देश के एक ही राज्य से घुसपैठ हो रही है, बंगाल से जी, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार का उस पर वरद हस्त है। वो घुसपैठियों में अपनी वोट बैंक देख रही है, उनको घुसपैठ में राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है वो नहीं दिखाई पड़ता है, उनको लगता है कि मेरे वोट बढ़ रहे हैं। न केवल बंगाल, समग्र देश के लिए ये बहुत खतरनाक सोच है। मैं बंगाल की जनता को हृदय से अपील करना चाहता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सफल बनाइए, इसके बाद वहां भाजपा सरकार बनाइए, हम ऐसी बॉर्डर बनाएंगे कि परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। इसीलिए सीए का दमखम से वो विरोध भी कर रही है, इसीलिए वो कर रही है, वो कह रही है कि जो है हम सीए कभी इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। उनको मालूम नहीं है नागरिकता सेंट्रल सब्जेक्ट है, इसमें स्टेट को कुछ करना ही नहीं है, शायद मालूम है, मगर माइनॉरिटी को गुमराह करने के लिए वो बोल रहे हैं। अमित जी 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, ये आपका एक बहुत बड़ा वादा था जो आपने निभाया, मगर ऑपोजिशन ये कहती है कि आज इस चुनाव में आप राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। देखिए राम के नाम पर तो वोट तब मिलता था जब मंदिर नहीं बना था, और हम कहते थे हम बनाएंगे, हमने तो वोट लेने का कारण ही समाप्त कर दिया। ऑपोजिशन को चिंता इसलिए है और पूरा देश उनसे नाराज इसलिए है कि जब राम मंदिर बना, शांतिपूर्वक तरीके से बना, संवैधानिक रूप से बना, और प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया। माइनॉरिटी के डर से वो प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, इसलिए पूरा देश उनसे नाराज है। माहौल चुनाव का है और आप हमारे साथ हैं, आपके प्रेडिक्शंस जो है बहुत दिनों तक बात करते हैं लोग कि अमित जी ने पहले ये बोला था ये सही हुआ, तो कुछ स्टेट्स पर जाते हैं, गुजरात में हैं आपके साथ, तो गुजरात से शुरुआत करते हैं। पिछले दो चुनावों से 26 में 26 सीटें आ रही हैं, क्या इस बार हैट्रिक करने की आपको पूरी उम्मीद है? निश्चित रूप से गुजरात में इसकी पर हमारे 19 के चुनाव से ज्यादा होंगे। कर्नाटक की ओर चलते हैं, कर्नाटक का चुनाव आपके लिए बहुत अहम है, पिछली बार आप लोगों की वहां बड़ी जीत हुई थी, स्टेट असेंबली इलेक्शंस में आपकी हार भी हुई है हाल फिलहाल में, तो ऐसे में आप कर्नाटका को कैसे देखते हैं, खास करके अभी एक बहुत रमन्ना जी का एक आपने बयान भी दिया है, तो आप जो प्रताड़ित महिलाएं हैं जो, उसको आप कैसे देखते हैं, क्या क्योंकि वो आपके जो वहां पे सदस्य हैं, आपका वहां उनसे अलायंस है, तो आप कोई अलायंस के प्रेशर में आ जाएंगे, क्या कठोर कदम उठाएंगे आप? कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए, मगर प्रियंका जी और राहुल जी ये कह रहे कदम क्यों उठाए नहीं जा रहे, शायद उनको मालूम ही नहीं है, कदम उनको उठाना है हमें नहीं उठाना है जी। परंतु भारतीय जनता पार्टी घटना किसी भी हालत में कोई भी हो,
इसको सहन नहीं किया जा सकता और कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए। तो अलायंस का कोई नहीं है दबाव है ना, हम दबाव में आएंगे। एक और कांड हुआ था नेहा हिरमत वाला किस्सा, जिसको कि एक पक्का मामला ही लव जेहाद का है। यही मैं आपसे जानना चाहता था, इस पर अगर आप कुछ बता सके, क्योंकि सीएम और होम मिनिस्टर ने कहा है ये पर्सनल मामला है। वो अपनी माइनॉरिटी वोट बैंक के कारण ऐसा कह रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, बच्ची को, किसी भी बच्ची को कॉलेज में सुरक्षा कैंपस में मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए जी? इस तरह से हत्या होती है और उसको पर्सनल मामला बताकर इस सामाजिक दूषण से आप नजरें चुरा रहे हैं केवल वोट बैंक के लिए। उनको तो बम ब्लास्ट होता है, वो भी गैस सिलेंडर का ब्लास्ट लगता है। जब एनआईए जांच लेती है तो पूरा पकड़ा जाता है। बेंगलुरु में 10 साल से बम ब्लास्ट नहीं हुए थे, इनकी सरकार आई, एसडीपीआई का समर्थन उड़ लिया और अब बम ब्लास्ट होने लगे। अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण कितने नीचे जाएंगे, देश की सुरक्षा, बेंगलुरु की सुरक्षा, कर्नाटक की सुरक्षा, इसको भी कांग्रेस पार्टी ताक पर रख रही है। ऐसे माहौल में जिसके बारे में हम लोगों ने अभी चर्चा की, कितनी सीटें देते हैं आप कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को? देखिए, अभी एक चुनाव होना बाकी है जी, मगर मुझे लगता है कि कमोबेश हम हमारी पोजीशन को बरकरार रखेंगे। जितनी सीटें पहली थी उतनी ही आपकी इस बार भी रहेंगी, ये तो मतलब बड़ा बयान है आपका। महाराष्ट्र की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र में एक अमित जी अजीब सी खिचड़ी बनी हुई है, दो दल टूटे हैं, एक दल, एक टुकड़ा आपके साथ है, एक टुकड़ा उधर है, ये कहता है हमारा ओरिजिनल है, वो कहता है हमारा ओरिजिनल टुकड़ा है। मगर ऐसे में क्या आपको लगता है कि उद्धव और शरद पवार जी के लिए कुछ सिंपथी वगैरह थोड़ी वहां हो सकती है? देखिए, महाराष्ट्र की जनता मोदी जी के साथ है जी। जो मोदी जी के साथ है उसको वोट मिलेगा, क्योंकि ये चुनाव देश का प्रधानमंत्री कौन बने इस पर लड़ा जा रहा है। दो खेमे स्पष्ट है, एक और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए है, एक राहुल बाबा और शरद पवार, ममता जी, स्टालिन, तेजस्वी यादव, लालू यादव, इनके नेतृत्व में इंडिया अलायंस है जिसका कोई नेता ही नहीं। अब देश 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाला इंडिया अलायंस है। दूसरी ओर 23 साल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहने के बावजूद भी 25 पैसे का जिस पर आरोप नहीं लगा, ऐसे नरेंद्र मोदी है। एक और गर्मी आते ही छुट्टी पर जाने वाला दल है, विदेश में छुट्टी पर जाने वाला, क्योंकि यहां गर्मी बहुत ज्यादा होती है। और दूसरी ओर 23 साल तक दीपावली के दिन भी छुट्टी न लेकर सरहद पर जवानों के साथ दीपावली मनाने वाले नरेंद्र मोदी है। एक और अपने बेटे, बेटी, भतीजे, बहुओं के लिए काम करने वाले राजनीतिक दल है। दूसरी ओर देश के गरीब, महिला, किसान, युवा के लिए काम करने वाले नरेंद्र मोदी। 41 सीटें थी आपकी पिछली बार गठबंधन की, इस बार आप नतीजे आने दीजिए, आप चौंक जाएंगे, वहीं से 400 होता है। तो महाराष्ट्र से आपको पूरी उम्मीद है कि 41 से पक्का? हम देखिए, आंकड़ा 41 का 40 हो जाए या 42 हो जाए, कमोबेश यही परिणाम रहेगा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, हम 100% रिपीट करेंगे। उत्तर प्रदेश हम 5 से 7 सीट की बढ़ोतरी करेंगे। ओडिशा हम 16 के आसपास जा सकते हैं, और 16 और आसाम में भी 12 के ऊपर चले जाएंगे, 12 भी हो सकती है। बंगाल हम कम से कम 30 सीट जीतेंगे। पिछली बार आपने मुझसे 25 कहा था इंटरव्यू में, 30 हमें दोस्त ना रहा। आप लोगों के रास्ते अलग हैं। वहां पे कल प्रधानमंत्री को जब इंटरव्यू कर रहा था, उड़ीसा में क्या हो? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि उड़ीसा की संस्कृति, उड़ीसा का पहनावा, इसकी गरिमा पर भी किसी भी राज्य की भाषा संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हर राज्य का विकास आवंटन हो रहा है, इसलिए हमने निर्णय किया है कि हम अलग लड़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार उड़ीसा की जनता, आप सीटें बढ़ाएंगे पिछली बार की तरफ, पिछली बार से उत्तर प्रदेश में सीटें बढ़ाए, मतलब अगर सब कुछ अच्छा रहा तो 80 की 80 हो सकती है। अरे तो बहुत ही बड़ा बयान है आपका, रिकॉर्ड 2014 का ब्रेक होगा जी, 71 और 73 हो सकता है। हम
सब कुछ अच्छा रहा तो 80 की 80 भी जीत सकते। इसका मतलब आप अखिलेश को कन्नौज में हराएंगे, अखिलेश जी को, डिम्पल को मैनपुरी में हराएंगे, उनकी पूरी फैमिली फिरोजाबाद आजमगढ़। मैंने संभावना कहा है कि हम 80 की 80 कर सकते हैं, हमारी सीटों की बढ़ोतरी होना निश्चित है। अमित जी, अभी हम लोग कुछ दिन बिहार में थे तो वहां पे ये है कि जो तेजस्वी और जो गठबंधन साथ में इनके साथ लड़ रहा है वो इस बार की कुछ सीटों में कॉन्फिडेंस है कि आप रिपीट करेंगे जिस तरह का आपका परफॉर्मेंस। साउथ इंडिया में एक बार चलते हैं, इस बार आप लोगों ने वहां बहुत समय, प्रधानमंत्री वहां बहुत दौरे किए, आपने खुद पर्सनली वहां पे बहुत दौरे किए, आपने बड़े बड़े दिए हैं साउथ इंडिया। साउथ अगर 129-130 सीटों में आप कितनी सीटें देखते हैं? पिछली बार आपकी कर्नाटक और साउथ के चारों राज्यों को मिलाकर हम कांग्रेस से तो आगे ही जाएंगे। लाके कितनी सीटें? हम बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं जी, खाता तो निश्चित रूप से खुलेगा, परंतु सीटों का अनुमान लगाना वहाँ दोनों प्रदेशों मतलब तमिलनाडु में भी खुलेगा, केरला में भी खुलेगा, और तेलंगाना और आंध्र को कैसे देखते हैं आप? आंध्र प्रदेश में हमारा अलायंस है, हम बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, अभी शुरुआत है, और तेलंगाना में तो हम लोकसभा में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, हमारी अब तक की हाईएस्ट सीट हम वहां से जीतेंगे। अमित जी, एक सवाल और, इस चुनाव के पहले दो सीएम जो है अरेस्ट हुए हैं, केजरीवाल जी अरेस्ट हुए, वो तो अभी भी मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन जी भी अंदर हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से टाइमिंग ऑफ अरेस्ट पर क्वेश्चन उठाया है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, ईडी सुप्रीम कोर्ट के सामने एक्सप्लेन करेगी जी, मगर मैं बताना चाहता हूं ये बहुत समन के बाद हाजिर नहीं हुए, पहले समन में अगर आए होते तो चुनाव के 6 महीना पहले अरेस्ट हो जाते, बहुत बार समन्स दिया गया, वो आए ही नहीं। अब उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी कह रही हैं कि उनको इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, वहां पे उनको ठीक से रखा नहीं जा रहा है, ये उनको मारने की साजिश है। देखो भैया जी, तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है जिसके मुख्यमंत्री केजरीवाल जी है, तो क्या उनको मारने की साजिश वो स्वयं कर रहे हैं? वो कहते हैं कि वो डीजी प्रिजन्स जो है वो दिल्ली पुलिस को शायद रिपोर्ट करता है। जरा भी नहीं, अच्छा। प्रिजन सीधा दिल्ली सरकार को रिपोर्ट करता है, तो इसमें आपका कोई वो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, ऑपोजिशन ईवीएम के बारे में बहुत सालों से बात कर रही है, हर बार नारा लगाती है कि बीजेपी सिर्फ ईवीएम की वजह से चुनाव जीतता है, अब आप लोग वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ये लोग ईवीएम की बात कर रहे हैं, देखिए आप क्या ये कर पाएंगे वन नेशन वन इलेक्शन? मैं पहले एक बात स्पष्ट कर दूं जी, राहुल गांधी जी जो बोलते हैं वो सोच विचार कर नहीं बोलते हैं, अगर हम ईवीएम के कारण जीतते हैं तो तेलंगाना में क्यों हारे, तमिलनाडु में क्यों हारे, केरल में सालों से क्यों हार रहे हैं, हिमाचल में क्यों हारे, बंगाल में क्यों हारे? या तो राहुल गांधी ने स्पष्ट करना चाहिए कि ईवीएम से आए नतीजों में हम जीतते हैं तो भी शपथ नहीं लेंगे जी, जीतते हैं तो नए कपड़े पहनकर शपथ ले लेते हैं, हारते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, किस प्रकार की राजनीति है भैया? जब आप जीतते हो तब ईवीएम सही है जी, जब हारते हो तो ईवीएम नकारा है, क्या देश की जनता ये सब नहीं समझती क्या? देश की जनता इसको समझती है, मगर मुझे तो आश्चर्य हो रहा है इतनी बड़ी पार्टी अपने नेता के एडवाइजर क्यों नहीं बदलती है, मैं दूर से देखता हूं मुझे आश्चर्य होता है। खैर छोड़िए, वो उनकी पार्टी का सवाल है, वन नेशन वन इलेक्शन हमारा संकल्प पत्र का मुद्दा है जी, और हम उसको जमीन पर उतारने का पूरा प्रयास करें। तो अगला चुनाव 2029 वन नेशन वन इलेक्शन होगा? देखिए तो संसद को निर्णय करना है, परंतु भारतीय जनता पार्टी जरूर प्रयास करेगी और उसको जमीन पर उतारेगी। अमित जी, थोड़ा हटते हैं कुछ है, उसमें जो है उन्होंने कहा है कि रॉ जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ प्लॉट कर रही थी कुछ टेररिस्ट को। देखिए इस प्रकार की रिपोर्ट के आधार पर, इतनी गंभीरता से मीडिया के रिपोर्ट के आधार पर नहीं सोचना, अगर जवाब देगी, अगर कोई सरकार डिप्लोमेटिक मेथड से हमारे साथ चर्चा करती है तो हम इसका जवाब देंगे। कनाडा में निज्जर के मर्डर पे भी ये बात हुई थी कि जो है ऐसे आरोप मीडिया में लगने से मैं नहीं मानता,
कोई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक और रिपोर्ट आई थी, वो गार्डियन पब्लिकेशन में थी, उसमें था कि पाकिस्तान में 20 टेररिस्ट को जो है इंडिया ने, फिर रॉ की बात थी, उस कुछ लोगों को इस्तेमाल करके वहां पे उनको मारा, टेररिस्ट को वहां पे मारा पाकिस्तान सॉइल में, इसको आप क्या कहेंगे? देखिए, किसने मारा ये तो ढूंढने का सवाल है, परंतु मैं इतना निश्चित रूप से मानता हूं कि ये तो एक्सपोज हो ही गया कि पाकिस्तान की सॉइल पर भारत में आतंक फैलाने वाले लोग थे। प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, आपके काफी वरिष्ठ नेता भी कह रहे हैं कि अब ये भारत वो भारत नहीं रहा जो कि खड़ा होकर साइड से तमाशा देखेगा, ये भारत वो है जो घर में घुस कर मारता। भारत की सीमा और भारत की सेना इसके साथ छेड़खानी नहीं करते, वरना जवाब मिलता है। अमित जी, कश्मीर पर एक सवाल, क्या कश्मीर पे भी, कश्मीर में चुनाव तो ये सीधा सवाल है, इसका आप क्या जवाब देंगे? अभी पार्टी ने तय नहीं किया है, पार्टी तय करो। मैं कभी नेगेटिव सोच के साथ काम नहीं करता, मैं मेरी पार्टी को जिताने के लिए काम करता हूं। हाँ, इससे किसी की नींद उड़ती है तो वो उनका प्रॉब्लम है, मेरी पार्टी को जिताना, मेरी पार्टी के लिए काम करना ये मेरा दायित्व है और मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से करता हूं। अमित जी, आप हमारे संग जुड़े, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया, साबरमती तट तक आप आए और यहाँ पे आपने हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राहुल जी।